आपने कई लोगों को देखा होगा, थोड़े पैटी होते हैं, थोड़ा ऐसे बदला लेने की भावना उनके दिमाग में रहती है। तो मुझे लगता था छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, पर नहीं, बड़े भी लोग भी करते हैं, थोड़ा ऐसे अपना पैटीनेस दिखाते हैं कि हाँ ऐसे कैसे करती है तूने, मैं तो बदला दूंगा। एनीवेज, वो जब सिंगल लेन होती है तो पासिंग लेन नहीं आती, तो पासिंग लेन में आप पास करने की स्टार्ट करते ही हो, और ये जो है 105 की स्पीड खींच लेंगे एकदम से। जैसी पासिंग लेन खत्म हुई तो ये 80-85 पे हो जाएंगे फिर से। अभी तुम्हारे दिमाग में तो ट्रस्ट इशू आ गया ना कि हाँ अभी अभी सिंगल लेन हो भी गई है, आगे से कोई ट्रैफिक आ भी नहीं रहा, अगर इफ आई ट्राई टू पास दिस पर्सन और ओवरटेक समबड़ी करेक्टेड में, कि पास पास मत बोला, अगर ओवरटेक होता है ये ओवरटेक, ठीक है, उस बंदे को। तो जब तुम ओवरटेक करने को लगते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसको ओवरटेक किया और ये बंदा फिर से भगा के आने ही नहीं देते यार, आगे ही नहीं आने देते, फिर मुश्किल से तुम तरले में तो उनको सीबी रेडी पे उनकी मम्मी की कसम देके कि तेरी मम्मी की कसम, अगर आगे अब नेक्स्ट जो पासिंग लेन आएगी ना तो प्लीज मुझे जाने दियो, लाइटे वाइटे मार के कि प्लीज भाई मुझे जाने दे। और उसके बाद फिर तुम पास तो कर गए हो, अभी तुम्हारे ब्रेक का टाइम हो गया है, तुम्हें बाथरूम जाना है, तुम्हें खाना खाना है, एंड यू आर लाइक कि मुश्किल से 2 घंटे लगा के इस इंसान को मैंने पास किया है, अभी अगर मैंने ट्रक रोका और ये इंसान फिर से आगे चला गया और मेरी तो लग जानी है, फिर मैं 8 घंटे तुम ऐसे ही स्टीयरिंग पकड़ के ऐसे चलते रहते हो। ये वाली प्रॉब्लम ट्रक ड्राइवर की कोई डिस्कस ही नहीं करता कि ये भी प्रॉब्लम्स है, कि हाँ अभी तुम ब्रेक नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हें 4 घंटे लगे उस इंसान को पास करने में। एनीवेज, एक और हुआ इंसिडेंट अभी 2-3 दिन पहले। जैसे वो मर्ज 3 लेने थी, 3 में सबसे राइट वाली 3rd लेन थी, वो ऐसे है कि हाँ अभी ये लेन एंड होने वाली है, मर्ज टू द लेफ्ट लेन, सो अभी 2 बनने वाली हैं। तो माई हस्बैंड वॉज ड्राइविंग, तो मेरे हस्बैंड ने जैसे ही सिग्नल दिया फिर कारों के ऐसे दिमाग में ऐसे बत्ती सी, अरे ट्रक का सिग्नल, अभी तो हम भगाएंगे और इसके साथ साथ चलेंगे। ऐसा ही किया एक कार ने, भगा के साथ होली लेन ना चेंज करने दे, लेन ना चेंज, अभी जो जो लेन है वो मर्ज के एरो बन रहे हैं, उसके बाद कोई शोल्डर नहीं है, सीधा घास ही है। सो मेरे हस्बैंड ने, वो हाईवे हॉर्न नहीं होता, वो तुम्हें पता ही कितना कितना नोइजी होता है वो, तो मेरे हस्बैंड ने वो मारा हाईवे हॉर्न कि जाने दे, फिर एकदम से फिर वो लेफ्ट लेन में, उसके कोई नहीं था, फिर वो लेफ्ट लेन में गई, मेरे हस्बैंड फिर सेकंड में आए, एंड दैट्स सेविंग, ठीक है। अभी मुझे ये है कि इस पे लगा है हॉर्न, अभी ये थोड़ा ऑफेंडेड फील हो गया ये कार, अभी इसको लगेगा कि मुझ पे क्यों हॉर्न मारा, मैंने ऐसा क्या किया था। तो वही हुआ, उसको वही ऑफेंडेड फील होगी वो कार, और स्लो होगी, अभी ब्रेक के चेक कर रही है, एंड माई हस्बैंड लाइक नहीं ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सो लेफ्ट लेन खाली थी तो माई हस्बैंड लेफ्ट लेन में हो गया, अभी वो कार अपना चुटकू सा हॉर्न पी 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 ऐसे कर रही है कि हाँ मुझ पे हॉर्न मारा क्यों, अभी तो मुझे पास करेगा ना, ओवरटेक करेगा ना, तो अभी मैं भी तुझ पे हॉर्न मारूंगी, बेचारी पी 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 पी, एंड आई वाज लाइक लाफिंग कि हाँ ये हम ना एडल्ट है, 40-40 सालों के इंसान है हम, एंड वी आर सो लाइक पैटी, बच्चों से भी गए गुजरे कि हाँ उसको ये मुझ पे हॉर्न कैसे मार दिया, अभी अभी तुझे तू तू पास करेगी, ओवरटेक करेगी, तुझ पे हॉर्न मारेगी। सो दैट वाज फनी कि ऐसी ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने को मिलती है ना रोड पे, कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या उनका ऐसे देख के ना थोड़ा बहुत उनका आइडिया हो जाता है कि कैसा उनका लाइफस्टाइल रहता होगा। और या देर सो मेनी थिंग्स आई लर्न ऑन अ हाईवेज कि हाँ कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, सच में एक कोई कोई हो ना कोई मनोवैज्ञानिक, वो पूरी किताब लिख डाले कि जैसे पीपल बिहेव एंड देन यू कैन प्रोडिक्ट देयर एंटिसिपेट। मुझे एंटिसिपेशन में ना 100% मिलते हैं अपने ट्रैकिंग में, कि ये लड़की एंटिसिपेट कर लेती है, नाउ आई एम गेटिंग यूज टू इट कि हाँ इसकी साइकोलॉजी कैसी होगी, अभी ये क्या ये राइट का सिग्नल दे के लेफ्ट जाने वाला है, या ये इसका इसके टायर थोड़े इधर इधर हो रहे हैं, दैट मीन्स कि ये बिना सिग्नल दिए मुझे कट मार के मेरे आगे आएगी, ऐसी कुछ पता ऐसे ट्रिक्स पता लगने लग गया है। इट्स फनी टू ऑब्जर्व पीपल, इट्स अमेजिंग एंड हाउ लाइक सी दैम लाइक देयर पैटी बिहेवियर, कि हाँ अपने तुम्हारे सामने आके फिर ब्रेक चेक करेंगे कि हाँ
मुझसे बदतमीजी से बात की, और वो इंसान सच में वो वाला इंसान जिनको तुम पास करके ओवरटेक करके, गॉड पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मेरे नंबर कटने वाले हैं अगर मैंने ओवरटेक ना बोला, अगर पास बोल दिया तो. एनीवे जो ओवरटेक करके तुम्हें, तुम उनके आगे आते हो और फिर वो तुम्हें ओवरटेक करके तुम्हारे आगे आ जाते हैं और स्लो हो जाते हैं, फिर तुम उन्हें ओवरटेक करके तुम उनके आगे आते हो, फिर वो तुम्हें ओवरटेक करके आगे आते हैं. ये सिलसिला 100-150 किलोमीटर ऐसे ही चलता रहता है और तुम ऐसे के ऐसे माथे पे हाथ रख के कि भाई मैंने तुझसे ये गेम नहीं खेलना, प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे माफ कर दे अल्लाह के बंदे. पर नहीं, इन लोगों को लगता है कि अरे ये तो गेम हो गया, इससे ट्रक के साथ हम पंगे लेंगे हम, अच्छा लगेगा, नहीं खेलना मुझे तेरे साथ ये गेम. और वो बंदे जो रेस करते हैं ट्रक के साथ, भाई मैं 65 पे हूँ और मुझे वैसे भी तेरे साथ रेस नहीं करनी, तू और मैं एक जात बिरादरी के नहीं है, वी आर डिफरेंट पीपल, तो तू अपनी लेन में रह, मैं अपनी लेन में रहती हूँ, नहीं इनको ट्रक के साथ रेस में लगानी है. एनीवेज देर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी स्टोरीज टू शेयर है. ओ वेल, बाय बाय.